शिक्षा कला विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के संबंध में, जो आदेश जारी हुआ है कि किन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, उसकी समय सीमा क्या होगी, इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, आ जाइए आप गूगल पर, और सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है GFMS। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर, तो टाइप करने के बाद में आप देखेंगे कि पहली जो लिंक आती है गेस्ट फैकल्टी अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप मेन पेज पर यहां पर आ जाएंगे, होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद में आप देखिए यहां पर एक सर्कुलर डला हुआ है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये देखिए, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालय में रिक्त जो पद हैं उन पर अतिथि शिक्षक रखने के लिए यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, 13/7/2022 का आदेश है। अब इस आदेश को डाउनलोड करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने इसे किया, और देखिए अब डाउनलोड होता है आदेश। डाउनलोड करने के बाद में आप देखिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश जो जारी किया गया है वो 13 जुलाई 2022 का आदेश है। गुरु पूर्णिमा के दिन आदेश जारी हुआ है, और ये आदेश शैक्षणिक सत्र 22-23 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश है। यह आदेश जो जारी किया है वो समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य हाई और हायर सेकेंडरी के लिए जारी किया गया है। अब बात करते हैं आदेश की, रिक्तियों का अपडेशन, यानी आपके यहाँ जो पद रिक्त हैं उन्हें कब तक अपडेट करना है, इसके लिए कहा गया है। तो अतिथि शिक्षक की आवश्यकता निम्न कारणों से हो सकती। सबसे पहले कारण बताया गया है कि किन कारणों से यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। पहला, नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण, यानी नियमित शिक्षक नहीं है विद्यालय में तब। दूसरा, नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश या प्रशिक्षण में जाने के कारण हो सकता है। तीसरा है, शैक्षणिक सत्र 22-23 से विद्यालय की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज किया जाए, इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। अर्थात यदि आपको आवश्यकता है तो संकुल प्राचार्य द्वारा वहां से दर्ज कर दी जाएगी कि ये अतिथि शिक्षक की आवश्यकता हमें इस सब्जेक्ट की, और जिला शिक्षा अधिकारी उसे अनुमोदित कर देंगे, तो वो शिक्षा वो अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दिखने लगेगी, यानी पद खाली दिखाई देने लगेगा। तीसरा ऑप्शन ये है। अब देखिए चौथा, नियमित शिक्षक के दौरान के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त दर्ज कराने हेतु क्या करना होगा कि नियमित शिक्षक नहीं है और रिक्ति दिखाना आपको, तो एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्त यानी स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक की संख्या को घटाने पर, यानी रिक्ति की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक के रिक्त दर्ज की जा सकेगी। जितने पद स्वीकृत है उन पदों पर यहाँ पर आपको पोर्टल पर दर्ज कराना होगा, तो उतने पद आपके अतिथि के लिए स्वीकृत हो जाएंगे, ये कहा गया है। और 1.5 का जो कंडिका यहाँ पे कहा गया है कि नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्त दर्ज करने की प्रक्रिया ने छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म वैकेंसी निकाल सकते हैं। नियमित शिक्षक के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक के अनुपस्थित अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के रिक्त प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जारी जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। संकुल प्राचार्य ही दर्ज करेंगे, जिनमें नियमित शिक्षक के प्रशिक्षण अवकाश से वापस आने की तिथि भी अंकित करना होगा कि कब प्रशिक्षण से वापस आएंगे, और नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकते हैं जितने दिन के लिए वो प्रशिक्षण पर गए हैं।
इसी प्रकार अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए, रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। जो पद आपके पास रिक्त है उसका पैनल विद्यालय में है या नहीं है, ये भी यहाँ पे दिखाना होगा। इसके बाद रिक्तियों को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक 22 दिनांक 4/1/22 को ध्यान में रखा जाए। जो 4/1/22 का आदेश था उसको ध्यान में रखा जाए इन सब प्रोसेस करने के लिए। देखिए विद्यालय में जिसमें पूर्व पैनल पूर्व में से उपलब्ध है, अब यहाँ पर पहले से पैनल बना हुआ है विद्यालय में, उन विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक का आमंत्रण कैसे किया जाएगा उसके संबंध में यहाँ बात कहा गया है। तो यहाँ बताया गया है कि विद्यालय जिनमें रिक्त वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, पहले से बना हुआ है पैनल, उन विद्यालय में अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की निम्नानुसार खंडिका 27(3) का पालन किया जाए। 27(3) में जो खंडिका दी गई थी कि दी वैकेंसीज इफ एनी दी गेस्ट टीचर इंगेज्ड इन पर्पस टू दी सर्कल डेट 7/7/18 शैल बी फील्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट स्कूल वाइज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसके अनुसार प्रोसेस की जाए। तो उसी के अनुसार पूरी जानकारी यहाँ पर बताया गया है, उनका परिपालन करना होगा। कंडिका 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। जो पैनल में पिछले साल अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए, उसे नहीं हटाया जाएगा। संबंधित से असहमति की स्थिति में यदि वह काम करना नहीं चाहता है तो लिखित में असहमति प्राप्त कर, देखिए डार्क किया गया यहाँ पे भी संचालनालय द्वारा, इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा असहमति नहीं ली जाती और मनमाने ढंग से रख लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित कर इसे लिखा कर रखना है और पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। जो पैनल बना हुआ है उससे आगे जो भी पैनल में नाम है उन्हें बुलाया जाएगा। अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 3/5 है। तो जो बिंदु क्रमांक 5 क्या है उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए कंडिका 2.3 में क्या एक और यहाँ कंडिका दी गई है कि गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले, जो 30% से कम जिनका रिजल्ट आया है ऐसे परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। यदि कम परिणाम है तो उन्हें नहीं बुलाना है। पूरी जानकारी यहाँ रिक्तियों का अपडेशन 15/7/2022 से शुरू हो जाएगा। अतिथि शिक्षक का आमंत्रण, अब यहाँ पे दो कंडीका है कि जिन विद्यालय में पैनल उपलब्ध है यानी पहले से पद रिक्त है वहाँ की बात है, और जहाँ पर पैनल नहीं है उनकी भी बात की जा रही है। तो देखिए जहाँ पर पैनल है पहले यानी पिछले वर्ष जो कार्यरत थे अतिथि उनके लिए SMDC की बैठक रखना है पद रिक्त होने की स्थिति में 20/7/22 को, और निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 21/7/22 को। आगे अतिथि शिक्षक का आमंत्रण जो होगा जहाँ पे पैनल नहीं है वहाँ पे अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 20/7/22 से हो जाएगा, और विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो 21 से 23 जुलाई 22 तक करना होगा। SMDC की बैठक 25/7/22 को होगी और अतिथि शिक्षक का आमंत्रण और विद्यालय में ज्वाइनिंग जो है 26 को की जाएगी। दोनों के लिए अलग अलग है, यदि जो पहले से कार्यरत है उनके लिए 21 को ज्वाइनिंग हो जाएगी और जहां पर पैनल नहीं वहां पर 26 को ज्वाइनिंग होगी। CM राइस जो स्कूल है उनके लिए भी यही पूरी प्रोसेस की जाएगी, अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण किए जाएंगे वहां पर, GFM पोर्टल से आवेदन के स्कोर कार्ड डाउन करना होगा, यहां पर डाउनलोड करना होगा, ये आयुक्त द्वारा ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।